हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस चैप्टर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस, लेक्चर नंबर 5। लास्ट टाइम वी डिस्कस द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, देन लिक्विडिटी रेशियोज, देन सॉल्वेंसी रेशियो, एंड टुडे डिस्कस द एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियो, सो दैट्स 11 नंबर एफिशिएंसी रेशियो में। आगे हमने मींस प्रॉफिटेबिलिटी, 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 2 लिक्विडिटी रेशियो, एंड अगेन 4 सॉल्वेंसी रेशियोज, टोटल 10 रेशियोज कंप्लीट किए, सो दैट्स 11 नंबर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स कॉल्ड COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS वी नो वेरी वेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस फैक्टरी एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इट्स एवरेज स्टॉक। नाउ 12 नंबर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स और COGS डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इफ सेल्स इज नॉट गिवन, इफ सेल्स इज नॉट गिवन वी यूज COGS टू फाइंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। व्हेन द सेल्स इज नॉट गिवन वी यूज द COGS टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल रेशियो, एंड द वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कैपिटल। नाउ नेक्स्ट 13 नंबर
डेटर टर्नओवर रेशियो, इज इक्वल टू, तो डेटर्स मीन्स कहाँ से क्रिएट होता है, जब भी क्रेडिट परचेज और सेल्स, इट मीन्स जब क्रेडिट सेल्स करता है तब डेटर्स क्रिएट हो रहा है, तो क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय टू. ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स इज इक्वल टू डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल. सो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइड बाय टू. नाउ नेक्स्ट 14 नंबर, देन हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द ट्रेड मीन्स कलेक्शन पीरियड, तो कलेक्शन पीरियड यहाँ पे सिंपल है, डेज में फाइंड करना है या वीक में फाइंड करना है या मंथ में फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड इन डेज, इन अ डेज, देन टोटल डेज 365 और 360 और 300 वॉट एवर गिवन इन अ एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर यानी 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, इन वीक्स, हाउ मैनी वीक्स इन अ ईयर, देन 52 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियोज, एंड इन मंथ, तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, एंड सेम वे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है. तो लास्ट 14 नंबर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियोज क्रेडिटर्स टर्न ओवर रेशियो तो क्रेडिट परचेज से क्रिएट हो रहा है, तो क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड payables to average trade payables opening trade payables plus closing
ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय टू, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाय टू। द सेम वे पेमेंट पीरियड, और सॉरी ये फर्स्ट वी राइट डाउन द ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। एंड नाउ पेमेंट पीरियड, तो सेम वे इन अ डेज 365 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इन वीक्स 52 डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियोज, और इन मंथ 10 over ratio। तो ये सभी फॉर्मूला अच्छे से लर्न करनी है, और उससे रिलेटेड जितने सम्स है वो हम चेक कर रहे हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व दी सम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस फॉर्मूलाज, यानी जितनी फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न करनी है, फिर मीन्स आपको सम चेक करना है। सो विल सॉल्व दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला, इट मीन्स एफिशिएंसी रेशियो है हमारे, जो एक्टिविटी रेशियो है उससे रिलेटेड जो सम्स हैं वो हम सब सॉल्व कर रहे हैं। बट आपको एक बार अच्छे से लर्न करना है, फिर चेक करना है, सो तुम्हें इजी रहे। सो वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, फिर एक बार मीन्स आप सभी फॉर्मूला एक बार लर्न कर लो, फिर वापस ये वीडियो, यानी जब सम स्टार्ट किए वहाँ से चेक करना, तो तुम्हें बहुत ईजी होगा, अदरवाइज टफ लगेगा। सो लेट स्टार्ट। लास्ट हमने 14 तक सम किए हुए, नाउ 15 नंबर। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। सेल्स 30 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30,000, ओपनिंग स्टॉक 350 एंड परचेज 12 लाख। सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो COGS की फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमारे पास सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, तो सिंपल सेल्स माइनस GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना है 30 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 30%, यानी कि 30 लाख इंटू 30% कितना हो रहा है 9 लाख। सिंपल है यहाँ पे 30 लाख इंटू 30%, तो 3×3 = 9, तो 9 लाख आंसर आ रहा है हमारा 21 लाख रुपीज, सेट से COGS। एंड सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करनी है एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय टू। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो सी द ओपनिंग स्टॉक इज 3,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक है 2,50,000 डिवाइड बाय टू, तो 3 + 2 = 5 और 1 = 6 लाख डिवाइड बाय टू,
यानी हमारा एवरेज स्टॉक है 3 लाख रुपीज। तो अब सिंपल है, अब वैल्यू से पुट करनी है, सी ओ जी एस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक तो इज इक्वल टू सी ओ जी एस, तो सी ओ जी एस की वैल्यू कितनी है 21 लाख डिवाइड बाई 3 लाख, तो 37 ज्यादा से 7 टाइम्स आंसर क्या है, तो स्टॉक कितनी बार मीन्स यानी टर्न ओवर हो रहा है 7 टाइम्स, तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा टाइम्स में मिलने वाला है, सो दैट्स आंसर विल बी द 7 टाइम्स। नाउ 16 नंबर, कैलकुलेट द स्टॉक टर्न ओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, सो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, सेल्स 40 लाख, परचेज एक्सपेंस 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 150, परचेज 22 लाख, वेजिस 2,50,000, यानी यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं है, इसलिए हमें सी ओ जी एस फाइन करना है। तो सबसे पहले हम सी ओ जी एस फाइन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें फाइन स्टॉक टर्न ओवर रेशियो करना है, सो सी ओ जी एस मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 लाख प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस प्लस वेजिस, तो परचेज यहाँ पे परचेज की वैल्यू है 22 लाख, परचेज एक्सपेंस है 1 लाख, 22 लाख, फिर ये है 1 लाख और वेजिस है 2,50,000, टोटल 27,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पे 1,50,000, सो सी ओ जी एस इज 26 लाख, 26 लाख। नाउ एवरेज स्टॉक फाइंड करना है, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 150, यानी अराउंड 175 हो रहा है, फिर भी यहाँ पे कैलकुलेशन मेंशन कर देते हैं, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 2 लाख प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 डिवाइड बाय 2, तो 350 डिवाइड बाय 2 यानी 1,75,000, ये हमारा एवरेज स्टॉक। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मैंने एवरेज स्टॉक की फॉर्मूला लिख दी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सी ओ जी एस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, सी ओ जी एस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, तो सी ओ जी एस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड कर ली, कितनी है यहाँ पे सी ओ जी एस 26 लाख, तो 26 लाख डिवाइड बाय 1,75,000, देन आंसर इज 14.86 टाइम्स, तो स्टॉक टर्नओवर हमारा कितना है 14.86 टाइम्स। नेक्स्ट 17 नंबर, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि दो बार सम करना है, सेल्स के बेसिस पे भी करना है और सी ओ जी एस को भी कंसिडर करके करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट हमें सी ओ जी एस फाइंड करना है, 17 नंबर सी ओ जी एस, तो सी ओ जी एस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेडीमेड दिया हुआ है 32 लैक्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, सेल्स फाइन करना है हमें, तो मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, तो प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 8 लैक्स, तो टोटल हो रहा है हमारा 32 + 8 यानी 40 लैक्स। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्स। तो एक हमें सेल्स बेसिस पे फाइन करना है और एक हमें फाइन करना है COGS के बेसिस पर। नाउ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स कितनी है, तो यहाँ पे करंट असेट्स की वैल्यू है हमारी 5 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटीज है 3 लाख रुपीज। सो वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख। तो सिंपल है, अब फाइन करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो सेल्स डिवाइड बाय एवरेज, सॉरी डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, तो सेल्स हमारा कितना है यहाँ पे टोटल 40 लैक्स, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल है आई थिंक 2 लाख रुपीज, यस वर्किंग कैपिटल है 2 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे 2 लाख, सो द आंसर इज 20 टाइम्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ये हमने फाइंड किया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऑन बेस्ड ऑन सेल्स, और यहाँ पे मीन्स फाइंड कर रहे हैं बेस्ड ऑन COGS, तो इज इक्वल टू COGS डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। तो COGS कितना है, तो COGS है 32 लैक्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है यहाँ पे 2 लैक, तो डिफरेंस आ रहा है 1,60,000। डिफरेंस कितना है 1,60,000, सॉरी 16 टाइम्स, ये मीन्स मूल रहा है हमें 16 टाइम्स। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 18 नंबर, सम नंबर 18, वहां पे क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन बी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेटा टर्नओवर्स एंड कलेक्शन पीरियड इन अ डेज, व्हाट विल बी द आंसर इफ कलेक्शन पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वीक्स एंड मंथ, एज्यूम 360 डेज ऑफ द ईयर, यानी ईयर के हमें यहाँ पे 360 डेज लेना है जब भी हम कलेक्शन पीरियड फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे डेटा टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचे, सॉरी क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स है हमारे पास और क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स तो रेडीमेड है तो वो फाइंड नहीं करना है, बट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ पर पहले फाइंड कर लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल 70,000 प्लस 20,000, यहाँ पे मैं टोटल चलो मींस ब्रैकेट कर देते हैं, 70,000 प्लस 20,000, तो ये हुआ तुम्हारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, तो क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल 50,000 प्लस 600, 50,000 प्लस 600 और डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग 70 प्लस 2 यानी 90,000 और ये 56,000, एक स्टेप ज़्यादा हो रहा है बट कोई इश्यू नहीं है, डिवाइड बाय 2 तो ये दोनों का टोटल हो रहा है 1,46,000 डिवाइड बाय 2 तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 146 यानी 73,000, 73,000 हुआ तुम्हारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब सिंपल है, तो टोटल क्रेडिट सेल्स कितना है, तो टोटल क्रेडिट सेल्स हम में रेडीमेड है 3,65,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है 73,000। तो अब ये कट कर दो तो 5 टाइम्स आ रहा है, डेटा टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कलेक्शन पीरियड, तो कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू इन अ डेज तो इन अ डेज वी नो वेरिएबल 360 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, तो ये हो जाएगा 72 डेज और इन वीक्स और इन मंथ्स, तो वीक टोटल हाउ मेनी वीक्स इन ईयर 52 डिवाइड बाय, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 10.4 वीक्स और इन अ मंथ्स देन 12 डिवाइड बाय 5 इट्स अ 2.4 मंथ्स। तो ये हमारा कलेक्शन पीरियड 2 और 4 मंथ्स में हमें कलेक्शन मिल रहा है, वीक में कर रहे तो 10.4 वीक में मिल रहा है और डेज में कैलकुलेट कर रहे तो 72 डेज में हमें कलेक्शन मिल रहा है। तो सेम वे लास्ट सम है अब हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, लास्ट सम है 19 नंबर, क्रेडिटर्स टर्नओवर इज इक्वल टू क्रेडिट से परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो सब में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दी हुई है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स एंड डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स, और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स टोटल परचेज एंड कैश परचेज। तो हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, तो टोटल परचेज कितना हो रहा है, तो टोटल परचेज है यहां पे 6,00,000 माइनस कैश परचेज कितना है 2,40,000, तो डिफरेंस है 3,60,000, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट परचेज। और फाइंड करना है एवरेज ट्रेड पेएबल्स, एवरेज ट्रेड पेएबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2,
ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय टू। तो ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स कितना है यहाँ पे वो चेक करना है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स क्या है वो चेक करना है डिवाइड बाय टू। तो सिंपली ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइड बाय टू, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स, तो सी यहाँ पे रेडीमेड दिया हुआ है, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल 45,000 प्लस 15,000, ये हो गए हमारे ओपनिंग, प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स 40,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय टू, तो 60 प्लस 60 टोटल है 1,20,000 डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू, आंसर है हमारा यहाँ पे 60,000 मिल रहा है हमें एवरेज ट्रेड पेएबल्स, और 360 है हमारा क्रेडिट परचेज। सो नाउ वी कैन फाइंड द कलेक्शन, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज हमारा हमने कैलकुलेट कर दिया कितना है 3,60,000 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स, तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स कितना है भाई 60,000, तो 6,60, तो यहाँ पे 6 times कितना हो रहा है टर्नओवर, 6 times टर्नओवर हो रहा है। नाउ पेमेंट पीरियड फाइंड करना है हमें, तो पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू, पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू, सॉरी पेमेंट इन डेज, तो सिंपल है 360 डेज हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसलिए, और डिवाइड बाय हमारा टर्नओवर है 6 times, तो 6 6 36 यानी कि 60 डेज इन वीक, तो 52 डिवाइड बाय 6 8.66 यानी 8.67 वीक्स, और इन मंथ 12 डिवाइड बाय 6 यानी कि 2 months, तो ये हमारा पेमेंट पीरियड है, हम 2 months में या तो 8.67 वीक और 60 डेज में हम पेमेंट कर रहे हैं। सो सभी सम्स हमने सॉल्व किए हैं, टेक्स्ट बुक के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, टेक्स्ट बुक में जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो तुम सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज के सभी सम्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, थैंक यू वेरी मच।